में देख सकते हैं खुशी भाई, आप यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो हाथ पर स्वच्छ भारत झाड़ू पकड़ा हुआ है, बॉटल है। आपने खाना खाया? आपका खाना हुआ? खाना नहीं हुआ। देखिए इस तरह से प्रॉब्लम है, मगर हम इनको पैसा देना चाहते हैं लेकिन हम पैसे भी नहीं दे सकते। अगर पैसे देंगे भी तो ये बंदा कुछ भी नहीं खाएगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम फिर से उन संगठनों को अपील करते हैं कि वो आए और ऐसे लोगों की मदद करें, ताकि ये लोग जो आज भूख से लड़ रहे हैं, आज का दिन इन लोगों के लिए जैसे कि कयामत टूट पड़ी है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर इन लोगों की मदद करें। तो ऐसे बहुत से जो गरीब जिनके घर नहीं है, कोई औलाद नहीं है, जो हम मिल रहे हैं आज, उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होगा क्योंकि होटल्स वगैरह पूरी तरह से बंद है, पानी भी नहीं मिल रहा है। और इसी पर यहाँ पर हमें एक्स कारपोरेटर अब्दुल रजाक वाटी साहब भी यहाँ पर मिले। सर, आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं? जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। जनता कर्फ्यू लगा है, जो भी लोग दुकान में बंद नहीं करे, जो यहाँ पे घरों पर बंद नहीं किए, हम जाकर उन लोगों को बता रहे हैं कि आप भी उसका पालन करें कि वायरस जो है बहुत डेंजर वायरस है। तो मस्जिदों में हर एरिया में हम जा के बोल रहे हैं कि भाई आप भी इसका समर्थन करें, ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग बंद ये पहनने के लिए हम जा के सब लोगों को बता रहे हैं। क्या लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं? हमें तो नज़र आ रहा है बिल्कुल पूरी तरह, पूरा देश समर्थन कर रहा है, पूरा बीजापुर, हमारे हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। कि यहाँ पे एक दिक्कत ये आने लगी, जो यतीम हैं, जो बेसहारा हैं, वो लोग रोड पे बैठे हैं, उनको कुछ खाने पीने का भी नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि इतनी तकलीफ इन लोगों को हो रही है, जिनके घर नहीं है, जिनके मकान नहीं है, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है, उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वरना बाकी के सब लोग अपने घर बंद कर चुके हैं। अब हाल ही में हमारे एरिया में एक शादी थी आज, आशीष चनेगांव बोल के, उसकी शादी भी कैंसिल कर दी हम, कल रखे उसके लिए, क्योंकि लोगों को हम अवेयरनेस देने के लिए उसकी शादी भी आज कैंसिल करके, तो पहले तय हुआ था जनता में आज शादी थी, तो शादी रहने की वजह से उसकी शादी कैंसिल करके वो शादी कल रखने का करने के उनको रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोगों भी मान लिए, तो वो शादी आज के बदले कल रख रहे हैं। लोगों को इस तरह से अपील की जा रही है कि अपने अपने मकान बंद करें, अपने मकान में रहते हैं। मैं ये रजाक भारती हैं, इस शहर के मशहूर कॉरपोरेटर हैं, जिन्होंने 3 बार इस शहर में अपने वार्ड से कॉरपोरेटर चुनाव जीत कर जनता की सेवा कर रहे हैं। ये जो हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को देखते हुए ये यहाँ पर आए हैं। मैं इनसे अजीजाना गुजारिश करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी है जो पानी की बोतल हाथ में लिया है, और उसकी बोतल भी आप देखेंगे तो पानी पूरा गलीज पानी है, तो गंदा पानी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने तौर पर अपने जिम्मेदारों के साथ लेकर ऐसे लोग जो रास्ते पर जो सोए हुए हैं, जो भूख से लड़ रहे हैं, ऐसी परेशानी है कि यहाँ पर पानी भी नहीं मिल रहा, जो हमें भी पानी प्यास लगी थी तो आपने हमारी प्यास बुझाई है, इसके लिए आपका शुक्रिया। हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों की भी प्यास बुझाएं और ऐसे लोगों को आपसे जो भी हो सके उनको खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करें। ये हमारे आपसे अजीजाना गुजारिश है। और इनसे ही नहीं, मैं चाहूँगा कि जो शहर में जो ऐसे नौजवान हैं जो सामाजिक सेवा में आगे आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करें। जो भी स्वयं संगठनाएं हमारा इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे अपील है कि ऐसे गरीब लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनको जो है खाना खिलाने की बात करें। हम इसीलिए आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमें भी उस तरह का अंदाज़ा था, तो हम एरिया में हम अपने व्हीकल में कुछ ऐसे सामान, कुछ पानी का बॉटल वगैरह लेके उन लोगों को हम दे रहे हैं जिन लोगों के कोई भी नहीं है, तो उन लोगों को हम दे के ये समर्थन भी कर रहे हैं कि उन लोगों की मदद भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की हम इंशाल्लाह आपका जैसा कहना है उसी तरह से हम पूरे एरिया में फिर के उन लोगों को जो हमसे बन पड़ता है हम उनकी मदद करेंगे। तो आप पानी तो दे रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पानी के साथ साथ उन्हें कुछ खाने के लिए भी देंगे इंशाल्लाह, तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। अभी दुकानें बंद है, हम जाके कहीं पे जाके दुकानें लेके कुछ बिस्किट वगैरह का इंतजाम कर लेते हैं, लोगों को मदद करेंगे। शुक्रिया आपके हाथों से उस बुजुर्ग को पानी के लिए। तो ये हैं
राजा कुवारती साहब जो कम से कम इन्होंने उन इस बुजुर्ग की पानी 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 पहुंचाकर उसकी प्यास बुझाने की कोशिश की है, और उनका कहना है कि वो आएंगे और ऐसे लोगों की मदद करेंगे। मैं बीजापुर के तमाम कॉरपोरेटरों को यह अपील करता हूं कि अपने अपने वार्ड में जो भी आपके वार्ड में जो बेरोजगार हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, जो रास्ते पर सोए हुए हैं, आज के लिए खास करके आज एक दिन के लिए कॉरपोरेटर अपने घरों से बाहर आए और अपने वार्ड में जो लोग सोए हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, जो भूख से लड़ रहे हैं, जिन्हें पानी भी नसीब नहीं हो रहा, आज का दिन वो इस आज के एक दिन के लिए अपनी समाजी सेवा के लिए आगे आए और अपने वार्डों में, अपने जो जो वार्डों में फिरे, अपने नौजवानों से कहें कि ऐसे लोग जो रास्ते पर सोए हुए हैं, जो भूख और प्यास से लड़ रहे हैं, उनकी जाकर मदद करें। ये मेरी विनती है उन सभी कॉरपोरेटर से कि वो ऐसे लोगों की मदद करें। जहाँ पर देश दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन कोरोना वायरस से लड़ रहा है, उसी दिन आज जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, आज ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है, आज का दिन पुण्य कमाने का भी शायद दिन हो। आप प्रधानमंत्री के जो आह्वान दिया है कि घरों से ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, तो ज़रूरत ऐसे लोगों की पूरी करने के लिए भी आप अगर निकलेंगे तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। शायद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यही ये एक तरीका भी शायद भगवान को पसंद आए, अगर जो आप गरीबों को कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक बड़ा संदेश भी हमें दे रहा है, अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे, खासकर ऐसे लोगों का ख्याल रखे जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू जबान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए पर मौजूद, बीजापुर के ऐतिहासिक इब्राहिम रोजे के आगे मोती गुम्बज, सिविल हॉस्पिटल रोड पर एक विशाल खूबसूरत माहौल और विशेष डिजाइन से तैयार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रहने के लिए मकान, आपकी हर सुविधा के अनुसार व्यापार और परिवार सहित रहने के लिए अंडरग्राउंड 22x38, ग्राउंड फ्लोर 25x38, फर्स्ट फ्लोर 27x38, दुकान और रहने के लिए 3 बेड वाले 12x12 रूम, 12x12 किचन रूम, 18x18 का बड़ा हॉल, 6x6 बाथरूम, 2 मास्टर बेडरूम, आपके आराम का खास ख्याल रखते हुए बनाए गए इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पर लेने और कारोबार को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अधिक जानकारी के लिए 9972681884 8147332713 या दिनार फर्नीचर के मालिक मूसा मुन्ना से संपर्क कर सकते हैं। रोशन बेकरी विश्वास 70 साल का बीजापुर के गांधी चौक मार्ग पर नेहरू मार्केट में शुद्धता और स्वादिष्ट मिठाइयों का खजाना। 70 साल के इतिहास के साथ जनता के अटूट भरोसे से जुड़ा आपके जीवन के हर जश्न में मिठास भरने वाला रोशन बेकरी स्वीट मार्ट। बीजापुर में सबसे अच्छा और सबसे कम दामों में मिलने वाला कोल्ड केक, जिसकी कीमत है सिर्फ 399 रुपए। खासकर कोल्ड केक के लिए मशहूर रोशन बेकरी, आज ही विजिट करके अपने जीवन के हर पल को मिठास से भर दे। रोशन बेकरी, गांधी चौक मार्ग, नेहरू मार्केट, बीजापुर।